नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बीती रात लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक मुकाबला खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 199 रन बनाकर वो मुकाबला जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जीत के हीरो रहे ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन। संजू सैमसन ने एक और इनिंग 50 रन की पारी खेली है एक और इनिंग में, और संजू सैमसन जिस तरीके से खेल रहे हैं इस आईपीएल में, और वो जरूर चाहेंगे कि T20 विश्व कप में उनका नाम आए, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रह रहा है। और ख़ासकर संजू सैमसन की पिछले मुकाबले की एक इनिंग देखी जाए तो पिछले मुकाबले में तो उन्होंने इस इंटेंट से खेला है कि मुझे T20 विश्व कप में अपनी जगह पक्की करनी है और मेरा नाम होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद देखने को मिला कि संजू सैमसन अपनी टीम इंडिया में जगह चाहते हैं। और संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में 71 रनों की एक नाबाद पारी खेली और फिनिश भी किया गेम। संजू सैमसन जिनके साथ ध्रुव जुरेल ने वो पार्टनरशिप करी और उसके बाद फिर वो मुकाबला जिताया। बात करें संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन ने मैच प्रेजेंटेशन के दौरान काफ़ी बातें कहीं, जिसमें उन्होंने टीम के बारे में कहा कि जो टीम है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग काफ़ी अच्छी रही। स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है कि ट्रेंट बोल्ट ने विकेट लिया, उसके बाद संदीप शर्मा ने पिछले मैच में जिन्होंने शतक जड़ा था, मार्कस स्टोइनिस उनका विकेट लिया। वहीं अगर एंडिंग देखी जाए तो ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन ने एंडिंग करी। तो इस तरीके से स्टार्ट और एंडिंग के बारे में संजू सैमसन ने कहा। इसके अलावा उन्होंने टीम की और ग्रुप की प्लानिंग के बारे में बोला कि बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आते। आज जो हम इस स्थिति पर हैं उसमें ज़रूर टीम की एक प्लानिंग और टीम का जो हम ग्रुप में प्लानिंग करते हैं उसका कहीं ना कहीं एक रोल है। तो ये सारी चीज़ें संजू सैमसन के द्वारा कही गई। संजू सैमसन ने यहाँ तक भी कहा कि ध्रुव जुरेल जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने ये भी कहा कि T20 में जो है फॉर्म टेम्प्रेरी होती है लेकिन जो क्लास है वो परमानेंट होता है, और ध्रुव जुरेल ने ऐसा करके दिखाया। ध्रुव जुरेल इससे पहले अच्छा नहीं खेल रहे थे लेकिन पिछले मुकाबले में ध्रुव जुरेल ने 50 रनों की वो पारी खेली, और 50 रनों की पारी ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली और टीम को मुकाबला भी जिताया। बात करें अगर संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन की निगाहें T20 विश्व कप में अपनी जगह बनाने पर होंगी, और संजू सैमसन ने बहुत अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया इस आईपीएल में। ऑरेंज कैप की रेस में जस्ट विराट कोहली के नीचे हैं, और अब देखना यह होगा कि क्या संजू सैमसन अब T20 विश्व कप के लिए एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज टीम की कंसीडरेशन में बैठेंगे या नहीं, क्या टीम में वो जाएंगे या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें तो टीम सेलेक्शन और टीम का जब अनाउंसमेंट होगा उस दिन पता चलेगी। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। इसी तरीके की तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ जुड़े रहें।